हेलो दोस्तों, मैं हूं आरिफ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी। तो आज हम बात करने वाले हैं वीवो जी वन प्रो 10th अपडेट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, वीवो जी वन प्रो के अंदर जो है 10th अपडेट आ चुका है और ये अपडेट जो है बहुत ज़्यादा लेट आया है। लगभग से यहाँ पे 60 से 65 दिनों के बाद ये 10th अपडेट आया है। तो चलिए फाइनली जो है यहाँ पे 10th अपडेट आ चुका है। तो चलिए इस अपडेट में चेक करते हैं कि इस अपडेट में जो है क्या कुछ नया देखने को मिलता है, इसका वर्जन कौन सा है, इसका सिक्योरिटी पैच कौन सा है और इस अपडेट में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। तो सारा कुछ हम आपको यहां पर दिखाएंगे। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए फटाफट से सेटिंग में चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग में नोटिफिकेशन आया। तो चलिए इस पर चलते हैं। इस पर जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर सिस्टम अपडेट में एक नंबर शो कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर चलते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आने के बाद जो है अपडेट वर्जन जो है यहाँ पे नया वाला वर्जन जो आया है देख सकते हैं, और यहाँ पे करंट वाला वर्जन जो है देख सकते हैं 1.7.1 है और नया वाला वर्जन देख सकते हैं 1.7.5 है। और ये अपडेट जो है लगभग 247 MB का है, तो ये ज़्यादा बड़ा इसका साइज नहीं है। और इस अपडेट में क्या कुछ देखने को मिलता है जो कि आपको यहाँ पर बताया हुआ है, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो फर्स्ट वाला अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर सिस्टम में देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और यहाँ पे टच स्क्रीन सेंसिटिविटी। तो ये अपडेट में जो है ये वाला जो फीचर्स है ये मतलब अपडेट जो है सारे अपडेट में देखने को मिल जाता है, थर्ड पार्टी और टच स्क्रीन सेंसिटिविटी। तो ये मायने नहीं रखता है यहाँ पे। सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पे कैमरा में भी इम्प्लीमेंट किए गए हैं जो कि देख सकते हैं, इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ कैमरा ऑपरेशन, इम्प्रूव कैमरा फंक्शंस फॉर ए बेटर फोटो एंड वीडियो शूटिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर इस अपडेट को करने के बाद देखेंगे कि इसका कैमरा क्वालिटी पहले से बेहतर हुआ है या फिर वैसे ही है। और यहीं पर थर्ड में देखेंगे तो इम्प्रूव नेटवर्क कनेक्शन परफॉर्मेंस इन सोम एरियाज। तो यहाँ पर जो है नेटवर्क और वाईफाई में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मतलब सोम एरियाज, तो हर अलग अलग एरियाज के लिए जो है अलग अलग नेटवर्क स्पीड मिलता है, कहीं पर ज़्यादा मिलता है तो कहीं पर कम मिलता है। तो यहाँ पर जो है अच्छे से मतलब जो है नेटवर्क और वाईफाई को इम्प्रूव किया हुआ है ताकि आपको सिग्नल काफ़ी अच्छा मिल जाए और वहाँ पर नेटवर्क भी स्पीड काफ़ी अच्छा मिले। तो यहाँ पर ये सब कुछ दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट से इसको हम डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस अपडेट को कंप्लीट कर चुका हूँ। तो चलिए अब सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा सिक्योरिटी पेज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ मोर सेटिंग एंड अबाउट फोन। तो इससे पहले जो आपका सिक्योरिटी पैच मिल रहा था वो 1/12/2019 का था। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि सिक्योरिटी पैच कौन सा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/3/2020 का सिक्योरिटी पैच मिल रहा है जो कि ज़्यादा नया तो नहीं है, बट आपको इससे पिछले वाला महीना आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है जो कि अच्छी बात है, ज़्यादा पुराना सिक्योरिटी पैच देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं वर्जन जो है आपको नया वाला वर्जन मिल रहा है 1.7.5। तो इस अपडेट को यूज़ करने के बाद जो है लगभग से 3 से 4 दिन मैं फ़ोन को यूज़ करूँगा और यूज़ करने के बाद जो भी मुझे कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके आपको इन्फॉर्म कर दूँगा कि क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या इम्प्रूवमेंट आए हैं कैमरा में या नहीं आए हैं, या फिर नेटवर्क में इम्प्रूवमेंट आए हैं या नहीं आए हैं। तो सारा कुछ आपको मैं आपको उस वीडियो में बता दूँगा। तो आपको ये अपडेट मिला है या नहीं मिला आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये अपडेट मिल चुका है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला है तो एक हफ्ते का वेट कर लीजिए, एक हफ्ते के अंदर में जो है सारे यूज़र्स को जो है ये अपडेट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।